अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दो दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला। उन्हें यह स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिला है। उद्धव को इससे पहले आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके चलते शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भाजपा की आलोचना की थी। अब जब उन्हें डाक से निमंत्रण मिला है तो पार्टी ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि भगवान राम उन्हें श्राप देंगे। उन्होंने कहा कि आप मशहूर हस्तियों और फिल्म सितारों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि उनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार संजय राउत ने कहा कि ठाकरे परिवार ने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उस परिवार के साथ भाजपा इस तरह का व्यवहार कर रही है। भगवान राम माफ नहीं करेंगे, वह इसके लिए श्राप देंगे। आप भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं और रावण की तरह सरकार यहां पर चला रहे हैं। उद्धव ने निमंत्रण न मिलने पर पहले कहा था कि उन्हें राम मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वह पहले भी कई बार वहां जा चुके हैं। उन्होंने यह भी मांग उठाई थी कि राम मंदिर में प्राण मोदी की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करनी चाहिए थी। राम मंदिर उनके पिता बाला साहेब ठाकरे का सपना था। उद्धव ठाकरे ने मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने इस आयोजन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त हूँ, देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं। राम मंदिर का निर्माण मेरे पिता का सपना था। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में उसी समय पूजा करेंगे जब पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे होंगे। और अब यहाँ पर निमंत्रण को लेकर अभी भी विवाद जारी है, जहाँ सिर्फ एक दिन बचा है इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। उस दौरान भी लगातार निमंत्रण पत्र के ऊपर चर्चा चल रही है और विवाद चल रहे हैं।